कानपुर से बड़ी खबर आपको बताएं कि हिंसा में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा पर शिकंजा कसा जा रहा है। बाबा बिरयानी के आउटलेट से सैंपल लिए गए हैं। फूड विभाग ने बाबा बिरयानी के आउटलेट से सैंपल लिए। बाबा बिरयानी के कई आउटलेट्स किए गए सील। डीएम विशाख जी अय्यर के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा के मामले में क्राउड फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। उसकी बाबा बिरयानी के आउटलेट्स पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शहर में कई स्थानों पर बाबा बिरयानी के आउटलेट्स हैं। इन आउटलेट्स में आज कई जगहों पर सैंपल लेने की कार्रवाई की गई, तो वहीं कई आउटलेट्स को सील करने का काम किया गया। वो आउटलेट्स जिनमें पहले सैंपलिंग कर ली गई थी और इन्हें मानक के अनुरूप नहीं पाया गया, वहाँ पर बाबा बिरयानी के आउटलेट्स को सीज किया गया है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर जो बाबा बिरयानी का मुख्य आउटलेट है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फूड विभाग है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। सैंपलिंग लेने की कार्रवाई की जा रही, सैंपल को सीज करके जाँच के लिए भेजा जाएगा और जाँच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कानपुर में बाबा बिरयानी के कई आउटलेट्स हैं, कई जगहों पर ये आउटलेट्स खुले हुए हैं। इन आउटलेट्स पर लगातार शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है और आज एक साथ यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। आपको बता दें शहर में कई आउटलेट्स ऐसे हैं जिनको सील भी किया जा चुका है, सीज किया जा चुका है। जगहों पर बाबा बिरयानी की दुकानों को सील करने का कार्रवाई की गई है। इन दुकानों पर प्रशासन की सील लगा दी गई है, तालाबंदी कर दी गई है और उसके बाद तमाम जगहों पर इस तरीके की सैंपलिंग की कार्रवाई भी लगातार जारी है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया कानपुर।